अहम खबर के साथ, एमपी के सिवनी के खटपड़िया गांव में आई बाढ़ में चार लोग टापू में फंस गए थे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर चारों लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। सीएम शिवराज ने रेस्क्यू टीम को सफल ऑपरेशन के लिए बधाई भी दी है। तो एमपी के सिवनी में आपको बताएं कि दरअसल खटपड़िया गांव में बाढ़ आई, जिसके बाद टापू पर चार लोग फंस गए थे, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। सीएम शिवराज ने टीम को बधाई दी है। दमोह में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया, जिसमें कई लोगों की मुफ्त जांच की गई, साथ ही साथ मुफ्त दवाएं भी बांटी गई हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने केशवनगर में एक स्कूल में वृक्षारोपण भी किया है। दमोह में आपको बताएं कि चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने इसका शुभारंभ किया है। आपको बताते चलें कि कई लोगों की शिविर में जो है मुफ्त जांच भी की गई है। और दमोह में दरअसल चिकित्सा शिविर का आयोजन, जिसमें दरअसल इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, और इस दौरान कई लोगों की आपको बताते चलें कि शिविर में मुफ्त में जाँच भी की गई है। तो दमोह में आपको बताते चले कि दरअसल चिकित्सा शिविर का आयोजन, जिस दौरान कई लोगों की जो है मुफ्त में जांच भी गई, और इस दौरान दरअसल वृक्षारोपण भी किया गया, पौधे भी लगाए गए हैं, और लोगों को भी इस बाबत जागरूक किया गया है। तो कई लोगों की शिविर में जांच की गई। दमोह में चिकित्सा शिविर का आयोजन, दरअसल आपको बताते चलें कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जिसमें कई लोगों की शिविर में मुफ्त में जांच की गई। और इस पर खास जानकारी के लिए विनोद फुगेनिया हमारे सहयोगी जुड़ गए। विनोद, जिस तरीके से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, क्या कुछ खास रहा कार्यक्रम में? इसमें खास युवाओं का रहा है मैम, युवाओं के लिए खासकर ये कार्यक्रम रखा गया था, जो मंत्री जी के द्वारा बताया गया है कि जो 25 से 30 वर्ष के युवा हैं, वो कोरोना काल के समय से ही मतलब अनेक बीमारियों से घिरे हुए हैं, उनकी जो जांच है वो तरीकावत नहीं हो पाई है, और वो अपनी जांच भी नहीं करवाते हैं। क्या है, कुछ समय पहले मंत्री जी का जो भतीजा था वो किसी कारणवश मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, तो उसी समय से उनके मतलब दिमाग में था कि हमें अपने मतलब जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए एक शिविर लगवाना है, तो उसी समय से उनने विचार लगा के रखा था। तो जो वो एक हफ्ते से उसकी तैयारियां चल रही थी, 28 और 29 का 2 दिवसीय शिविर है जो ये दमोह में रखा गया है। बिल्कुल, और खास बात है कि इस दौरान इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया है, तो क्या ऐसे में जिले वासियों के लिए कई और सौगात भी दी गई है? जी, इसमें क्या है कि जो शिविर था, शिविर का उनका मुख्य था कि शिविर अब लगवाना है जो 2 दिवसीय है, इसके अलावा भी उन्होंने अन्य जो कार्यक्रम रखे हैं, और मतलब बताया गया है कि जो हमारा आगे का शिविर रहेगा वो अब तहसील स्तर पर भी लागू किया जाएगा, इस तरह के शिविर जो निःशुल्क रहेंगे, और जो भाजपा मतलब जो पार्टी रहेगी, पार्टी के अनुसार ही उसका खर्चा जो रहेगा उठाया जाएगा, और बाहर के जो डॉक्टर रहेंगे वो सब यहाँ उपलब्ध करवाए जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विनोद, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजनांदगांव जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और उपचुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की एक तरफ से मतदान की प्रक्रिया कराई गई। सुबह से ही भारी बारिश के बीच भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्रों तक पहुंचे। वह चुनाव को संपन्न कराने के लिए जिले में 17 मतदान केंद्र बनाए गए थे। पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आया है। त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर आपको बताते चले कि दरअसल
मतदाताओं में खासा उत्साह दिखाई पड़ा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में त्रिस्तरीय चुनाव जो है पंचायत चुनाव संपन्न कर लिए गए और 17 मतदान केंद्रों में आपको बताते चले कि मतदान हुआ, जिस दौरान लोगों ने अपने अपने मत का इस्तेमाल किया है। मैं तो फिलहाल अभी 15 साल से यहाँ हूँ, तो मैंने 3 चुनाव के वोट अभी तक डाले हैं सरपंच चुनाव में, और लेवल चुनाव को अभी तक ठीक से हो गया है, 75% किया है। व्यवस्था तो अभी बारिश है इसलिए थोड़ी सी व्यवस्था ज़्यादा बनी हुई है, लेकिन फिर भी अभी सब चीज़ ठीक है, यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये मतदान केंद्र क्रमांक 314 फरहत, यहाँ वार्ड नंबर 6 से 10 तक के पंचों का होना है, जिसमें वार्ड नंबर 9 निर्विरोध है और सरपंच का वार्ड नंबर 6 से वार्ड नंबर 10 तक का चुनाव होना है। कुल मतदाता पुरुष 212, महिला 210, इस प्रकार से कुल 422 मतदाता हैं, जिनमें से अब तक पुरुष मतदाता मतांकन कर चुके हैं 155 और महिला मतदाता 183। इस प्रकार से 338 मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर चुके हैं, अर्थात लगभग 80% मतदान हो चुका है। 2 वर्ष हो गए हैं, 10 साल हो गए मतदान देते जी, और यहाँ मतदान अभी शांतिपूर्ण है, अच्छा है मतदान का। और मेरे मतदाता सूची में नहीं है प्रॉपर, मैं अभी राजनांदगांव में रहता हूँ। एमपी के देवास के सुप्रसिद्ध मंदिर माता टेकरी पर हनुमान मंदिर के समीप भूस्खलन हो गया, जहां पर पहाड़ का कुछ हिस्सा गिरकर नीचे गिर गया। आपको बता दें कि ये पहाड़ का हिस्सा हनुमान मंदिर और तुलजा भवानी माता बड़ी माता मंदिर के नज़दीक है, जहां पर इस तरह का हादसा हुआ। इसके साथ ही जो मंदिर पिलर पर टिका हुआ है, उस पिलर के टूट जाने से पत्थर भी भरभरा कर नीचे गिर गए, जिससे कि भूस्खलन हुआ। हालांकि इसके आसपास का इतना ज़्यादा हिस्सा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, लेकिन बावजूद उसके बड़ी मात्रा में पत्थर नीचे गिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उस स्थान पर पत्थर गिरे हैं जहाँ पर आमतौर पर लोग आरती के समय, पूजा पाठ के समय उपस्थित रहते हैं। मुझे इस बात की चिंता हुई, मैं सीधे टेकरी पर पहुंचा, वहां पर जाकर मैंने मौके का जायजा लिया है। निश्चित रूप से पत्थर बहुत भारी मात्रा में ऊपर से गिरे हैं, यह प्राकृतिक आपदा है, और जिन भी कारणों से हुई है इस संबंध में मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई है, उन्होंने एक टीम बुलवाई है, कल टीम निरीक्षण करेगी और निरीक्षण के पश्चात तय किया जाएगा कि इस टेकरी के ऊपर जो भी भूस्खलन होता है, उस भूस्खलन को किस तरह से रोका जाए, ताकि किसी भी प्रकार की जान और माल की हानि ना हो, किसी व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो। जितने भी लोग यहाँ पर चामुंडा माता और तुलजा भवानी माता को अपनी श्रद्धा का केंद्र मानकर दर्शन करने आते हैं, वो सुलभता के साथ और सरलता के साथ यहाँ पर माता जी के दर्शन कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्वालियर में खाद्य आपूर्ति विभाग ने चंद्रा एजेंसी पर छापेमारी की कार्रवाई की है। मामले की जानकारी देते हुए फूड सेफ्टी अधिकारी गोविंद नारायण ने बताया कि चंद्रा एजेंसी के खिलाफ लगातार खाद्य सामग्री में मिलावट की शिकायतें मिल रही थी। इसी के तहत खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए एजेंसी से सामान के सैंपल लेकर जाँच के लिए भेज दिए हैं और रिपोर्ट आने पर उचित कार्रवाई की बात कही है। नमूना कार्रवाई की गई है, सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। क्या बनता है यहाँ से? यहाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनती है और अलग अलग नाम से निकालते हैं। ईला कोला है, जैसे सिंग्स चार्ज का भी सैंपल लिया है, ईला कोला 2 नमूने लिए थे जांच के लिए। क्या कोई शिकायत वगैरह मिली थी? शिकायत वगैरह एक डीओ साहब की तरफ से आई थी, कोई मीडिया के द्वारा शिकायत की गई थी, उसके आधार पर यह कार्रवाई की। क्या शिकायत थी? शिकायत ये थी शायद बोतल में कुछ कीड़ा वगैरह या मक्खी वगैरह ऐसा निकली। जबलपुर में बारिश के पहले फुहार ने ही जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया, जहां पर एक और लोगों को जलभराव का सामना करना पड़ रहा है, वहीं नाले भी उफान पर हैं। ऐसे ही आधारताल थाने अंतर्गत सुहागी की ओर जाने वाले मार्ग की पुलिया में यातायात उस समय अवरुद्ध हो गया जब नाला उफान पर आकर सड़क के ऊपर ही तेजी से तेज गति में बहने लगा।
किसी हादसे की आशंका के चलते मौके पर आधारताला थाना पुलिस का स्टाफ भी पहुंचा। लंबे समय तक मार्ग अवरुद्ध रहा। इस दौरान मौके पर मौजूद CSP प्रियंका करचम और थाना प्रभारी शैलेश मिश्रा ने मार्ग का डायवर्जन कराते हुए यातायात को बहाल किया है। वहीं CSP के अनुसार यहां पर पुलिया निर्माण का काम किया जा रहा था, लेकिन तेज बारिश के चलते नाला उफान पर आ गया और सड़क पर बहने लगा। किसी भी हादसे की आशंका के चलते यातायात को रोककर मार्ग का डायवर्जन किया गया है। और यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जबलपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत हुई, जिसमें घटना को लेकर मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल जनों पर हत्या कर अस्पताल भिजवाने का आरोप लगाया। वहीं अस्पताल के चिकित्सकों ने मामले की जानकारी पुलिस को ना देते हुए शव को परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद मायके पक्ष के लोगों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मायके पक्ष के लोगों ने ओमती पुलिस को मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। तो जबलपुर में आपको बताएं कि दरअसल नवविवाहिता की संदिग्ध मौत का ये मामला, जिसमें ससुराल जनों पर हत्या का आरोप लगा है। मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाते हुए साफ तौर पर पुलिस में तहरीर दी है। एक औरत है रेनुआ बानो करके, उनकी शादी मोहम्मद अजमत नए मुल्ला में सौकत सीट के बच्चे हैं उनके साथ 2019 में हुई थी। आज दिनांक को शाम 5:30 बजे करीब थाने में सूचना हुई, उस बच्ची ने फांसी लगा था, उनकी आत्महत्या कर ली है। इसकी मर्ग इंटीमेशन थाने में कर दी गई और उनको ये लोग हॉस्पिटल ले आए थे इलाज के लिए कि हो सकता है जिंदा हो। अभी यहाँ पे डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया है, उसकी डेड बॉडी यहाँ पे अभी रखी हुई है। चूँकि रात हो गई है, नवविवाहिता का मैटर है, तो इसमें इसकी जाँच माननीय SDM महोदय या तहसीलदार महोदय करेंगे। जबलपुर में युवा का शव तालाब में तैरता मिला। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने तैराक की मदद से शव को तालाब से बाहर निकाला। घटना से परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो जबलपुर में आपको बताएं कि तालाब में दरअसल तैरता शव मिला, जिसके बाद जो है इलाके में हड़कंप मच गया और तैराक की मदद से शव को बाहर निकाला गया और पुलिस अब इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। करीब 10 बजे एक सूचना मिली कि शव में पानी में तैर रहा है, उसको बाहर निकलवाया गया तो पता लगा कि ये बेलबाग पुटाताल का पीयूष उर्फ कालू पटेल है, जो कल से घर से गायब था किसी कारणवश, और संभावना है कि तालाब में डूबकर आत्महत्या किया होगा, लेकिन पूरी बात जांचने के बाद ही पता लग पाएगी। RKM पावर प्लांट में काम करने वाले एक कर्मचारी की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया, जिसमें घटना से नाराज मृतक के परिजनों ने इस मामले में कंपनी पर आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है। तो छत्तीसगढ़ के सख्ती का ये मामला, जहां पर आपको बताएं कि RKM पावर प्लांट का ये पूरा मामला, जहां पर कर्मचारी की संदिग्ध हालत में मौत की बात सामने आई, इसके बाद परिजनों ने मामले की जाँच की मांग की है। दतिया के बुहारा गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक मिनी ट्रक निर्माणाधीन पुल से टकराकर बुहारा नदी में गिर गया। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हो गए। वहीं सूचना पाकर कलेक्टर संजय कुमार और SP प्रदीप शर्मा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, साथ ही साथ मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं कलेक्टर ने डॉक्टरों को घायलों का समुचित इलाज करने के निर्देश दिए। वहीं सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि मुहैया कराने की भी बात कही है। गाड़ी पलट गई, नदी में चली गई, डूब गए सब लोग, कछुए निकल आए, कछुए दब गए गाड़ी के। तारा जा रहे थे ग्वालियर के पास बलेटी गांव, वहां से आए, लड़की की शादी करवे जा, लड़की रह जा रहे, सब मेरे परिवार के थे, कुछ रिश्तेदार थे, कुछ परिवार के थे, तो 4-5 लोग, 4 लोग तो मेरे ही परिवार के खत्म भए, मेरे बच्ची के बच्चे 2 खत्म हुए, मेरी माँ खत्म है गई, मेरे छोटे भाई का लड़का खत्म हो गया, अब लाशें और रह गई हैं, क्योंकि
लड़ाई चल रही है। वो एक शादी में जा रहे थे लोग ग्वालियर से तारा टीवी में, और रफ्ते पे पार करते हुए, पानी ज़्यादा नहीं था रफ्ते पे, लेकिन ड्राइवर की असावधानी से एक टायर उनका नीचे उतर गया और उसके कारण उनका वाहन था ऐसा गाड़ी लोड़ी नीचे पानी में उतर गए, उसमें कुछ लोग पानी में गिर गए, वो उसमें से 5 लोग बह रहे थे, ऑपरेशन अभी जारी है। जैसा कि सर ने बताया कि क्योंकि अलग अलग जगह से परिजन आए थे, उनको खुद को भी नहीं बताया कि कौन लोग कौन थे अभी, परंतु दोनों तरफ से रास्ता काटा गया और पानी का जो बहाव है वो कम हो रहा है। हम एहतियात के तौर पर जब तक 100% संतुष्टि नहीं हो जाती तब तक SDRF की और होमगार्ड की और जो लोकल गोताखोरों की टीम है अभी वो पैदल चल के पूरे जो नाला है उसको चेक करेंगे, जस्ट इन केस अगर और भी कोई कैजुअलिटी होती है तो उसको हम लोग फिगर आउट करने का प्रयास करते हैं। ग्वालियर के पड़ाव थाना इलाके के सेवानगर रेलवे क्रॉसिंग के पास उस समय हंगामा हो गया जब कार में सवार होकर पहुंचे 4 लोगों द्वारा एक युवक को पकड़कर जबरन कार में बिठाया गया। स्थानीय लोगों ने जब युवक को जबरन कार में ले जाते लोगों को देखा तो स्थानीय लोगों ने हंगामा कर दिया और कार सवार 4 लोगों को पकड़ लिया। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पूछताछ में ये पता लगा कि हैदराबाद की पुलिस 20 लाख रुपए के फ्रॉड मामले में आरोपी को दरअसल पकड़ने के लिए ग्वालियर आई थी। जिला साइबराबाद हैदराबाद से थाना गचपोली से पुलिस आई हुई है और इसमें सब इंस्पेक्टर हैं बी सुरेंद्र रेड्डी। वहाँ पे गचपोली थाने में एक मुकदमा रजिस्टर्ड हुआ है 420-409 के तहत। एक SIS कंपनी है जो ATM में कैश डिपॉजिट का काम करती है, उसमें एक व्यक्ति ने 25 लाख का फ्रॉड वहाँ किया, 25 लाख का गबन किया। तो उसमें एक व्यक्ति को यहाँ से इन लोगों ने पकड़ा है, इंदर सिंह लोधी जो कि शिवपुरी का रहने वाला है, यहाँ मरीमता मेहरगांव में रेंट पे रहता था। इसके डॉक्यूमेंट पे जो डॉक्यूमेंट वहाँ लगे हुए हैं उसके इसी के ब्याप पे वहाँ एक अशोक झा निवासी करेरा का वहाँ काम कर रहा था और उसके सारे जो सैलरी थी वो ये इंदर सिंह लोधी के अकाउंट में ट्रांसफर होती। अशोक झा इंदर सिंह लोधी का मित्र है। टीकमगढ़ निवाड़ी जिले में पिकनिक मनाने गए युवक युवतियां बेतवा नदी में फंस गए। नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया जिससे पिकनिक मनाने आए युवक युवतियां बीच टापू पर फंसे रहे। वहीं सूचना पर पहुंची टीम ने रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित जीवाजी विश्वविद्यालय से रैगिंग का मामला सामने आया जहां पर जीवाजी विश्वविद्यालय के 3rd सेमेस्टर के एक छात्र ने अपने सीनियर छात्र पर रैगिंग का आरोप लगाया है। पीड़ित छात्र ने आरोप लगाया कि उसे बंद कमरे में प्रताड़ित किया गया। घटना के बाद पीड़ित छात्र ने पुलिस से शिकायत की। वहीं छात्र की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं जीवाजी विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी विमलेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि पीड़ित छात्रों ने लिखित शिकायत की है। इस मामले में जांच कमेटी गठित कर जांच की जा रही है, जांच के आधार पर ही विधिवत कार्रवाई की जाएगी। UBA 3rd सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के छात्रों के बीच को विवाद हुआ था। इस विवाद में UBA 3rd सेमेस्टर के छात्र को 6th सेमेस्टर के छात्रों ने कमरे में बंद कर दिया था, तो उसने और पिटाई लगा दी थी, ऐसा उस लड़के का छात्र का आरोप है। उसका ये कहना है कि इनने हमारी रैगिंग ली है, उसने जाकर पुलिस थाने में विद्यालय थाने में FIR दर्ज करा दी है। विश्वविद्यालय में उसकी शिकायत के आधार पर FIR दर्ज विश्वविद्यालय उसकी शिकायत के आधार पर एक जाँच कमेटी बना दी है। जाँच कमेटी ही बताएगी कि रैगिंग हुई है या आपसी विवाद का मामला है। जबलपुर पुलिस क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक दर्जन से ज्यादा चोरों की वारदातों को अंजाम देने वाले 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से जैन मंदिर से चुराई हुई मूर्ति समेत 15 लाख रुपए कीमती सोने चांदी के जेवर भी जब्त किए हैं। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में मरीजों को नर्सों की कमी से होने वाली दिक्कतों को देखते हुए 34 रिक्त पदों पर वॉकिंग इंटरव्यू के जरिए सीधी भर्ती की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय ने बताया कि जिला कलेक्टर विनीत नंदनवार के मार्गदर्शन में पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जिला प्रशासन की 5 सदस्य टीम के इंटरव्यू लेकर भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।
मानव संसाधन नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा संविदा नियुक्ति की जा रही है जिला स्तर पर। इसमें दिनांक 26 तारीख से शुरू हुआ, हमारा 14 जुलाई तक चलेगा। आज के भर्ती में 34 पद नर्सिंग ऑफिसर लोगों का है, 6 पद फिजियोथेरेपिस्ट और 1 पद डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। इसकी भर्ती हो रही है, ये पूर्णतः संविदा और जिला प्रशासन के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये वॉक इन इंटरव्यू किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रतिनिधि भी बैठ रहे सिलेक्शन कमेटी में। ये कलेक्टर से डिप्टी कलेक्टर बैठ रहे हैं, सीओ साहब बैठ रहे हैं, ट्रेजरी ऑफिसर में और सिविल सर्जन डॉक्टर गंगे साहब बैठ रहे। इस तरह वॉक इन इंटरव्यू चलेगा। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।